ठीक है, कुछ भी ना बोलो, एक तुम देखभा ना करो या डराओ ना बस है। काटी ना तुम एक देखभा ना करो, काटी तो काटे दियो आना वो काटी ना, तुम्हारे मुंह सूंघी, हाथ सूंघी, पांव सूंघी। चलो तुमका नाश्ता पानी दे ना, पाई सामान दिए इनका बहरस लाग पड़ी। दिन्ने 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 जब रिश्तेदार हमारे यहाँ आते हैं तो रानी बहुत खुश होती है। मौसी बैठी है बोलो। हाँ ये लो, अपने मन से खोल के निकाल लेती है, निकाल लियो। हाँ हाँ, अबे यार ये कहाँ से लावा है केला है, हम बता भूल गए रहेगी ना थोड़ा अच्छे देख। ब्रेकफास्ट चल रहा है, रानी ब्रेकफास्ट करने के बाद चली जाएगी यहाँ से, पूरे गांव के बच्चों को खिलाने जाएगी, घूमेगी और फिर उसके बाद आएगी दोपहर में लंच के टाइम, हम दोनों साथ में फिर खाना खाएंगे। ये भी चली जाएगी अपना काम करेगी। नहीं भाई, काली चाय स्वाद अलग है, एक स्वाद अलग है। एनर्जी आ जाती चला का, या शुरू से यही तना रही है ना, पूरे गांव में घूमत रही पूरे गांव में, तो वही आदत पड़ी है। पेट में चूहा कूदी है, चलो आपका आकाश के पास नहीं, आकाश के घर अपाए घर पे ये सब कमरन में घूम घूम के देखिए, हम जो घर सो रहे हैं तो हाथ सूंघी मुंह सूंघी। एक दिन हम सोईत रहे आई, हम देख लेंगे इनकी रानी आ रही। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वही का तुम कुछ ना बोलो, आधी कच्ची रोटी खाती है। ए रानी चल चल बाहर। हाँ एक ले लीस ना, चलो ठीक, उससे बोलना मत, अपना काम करो बेटा ठीक। मतलब आधी कच्ची रोटी खाती है रानी, तो मम्मी ऐसे सुनो सुनो सुनो, तुम लोगन का पता नहीं, मम्मी ऐसे दही देती हैं, मम्मी ऐसे दही देती हैं। हाँ तुमका पता नहीं ना, हाँ मतलब अबे हमारे यहाँ नए खिलाड़ी हैं, इन लोगन का तो पता नहीं रानी कैसे खाना देना है कैसे नहीं। आधी कच्ची रोटी आधी कच्ची रोटी रानी खाती है, और किसी को पता नहीं था तो वो आई अपने मन से ले गई। वैसे भी अपने मन से जो करती है घर में अपने मन से ही करती है, खाने के बाद वहां सोने जाती है, अंदर घूमने जाती है, इस कमरे में टीवी देखने जाती है, वहां पर गाड़ी पर शीशा देखने जाती है। लड़का को मारे हो ना कहू, ए इधर चल बाहर चल बाहर चल। इनका देखो ये कहाँ, चल बाहर बाहर चल, वहां तावा छुएगा तो अब बहन जर जी हो फिर। चल बाहर, अब रानी कहो चुपवा जाए। अरे अब रानी भेज दे, अब चुप हो आवे का। हाँ रानी अभी नहीं है, चुप कर रही है तुम काफी, आओ चिल्ली हो फिर। चुप रानी भेजी का, ए रानी भी रो रहे हैं। रानी भेजी का आए, रानी भेजी बोली कि भी रो रहे हैं, आए चुप हो गए कि नहीं, चुप हो गए आए लड्डू। नहीं 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 करे तो बहन रानी का भेजित, फिर दिन्ने दिन्ने भी बजे हैं तुम्हारा।
थप्पड़ मारी मार चुप करे ये एक रोटी एक रोटी खाने दे आलू चावल खाओगे खाओगे कि नहीं क्या लेना है तुमको चुप रे चुप अब है नहीं तुम्हारा भोपड़ा जो बज रहा है ना रानी भेजी थी एक बार जाने और उधर सन ये गुड्डी मजाक मजाक में हमका देन ढकेली रानी जौनी तेना से फिर इनका दौड़ी कि हाथ कैसे लगा दियो रानी बहुत टैलेंटेड है बहुत टैलेंटेड अधिकतर तो हाँ चुप करा रही है ना देखो चुप करा रही है रिएक्शन आ गए ना चल तो बाहर निकल सहले तुमका बजे ही बच्चे रानी ओल्ड लेडी हो गई है ये सुख चाहती है सुख मतलब खाते खाते भी इसको नींद आती रहती है और वैसे भी जो भी करती है अच्छा ही करती है किसी के साथ आप गलत करोगे तो वो भी आपके साथ गलत करेगा वही हाल इसके भी साथ होता है लोग इसको पालतू समझ के परेशान करते हैं फिर ये लोगों को मारती है थप्पड़ मारती है काटती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं काटती है मोबाइल मत देना नहीं मोबाइल नहीं खालिहीन अब ई गई है धान 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 के बिरवा है अब आई है धान धान शायद तोड़ के खाएगी ये क्या पकड़ रही हो पता नहीं क्या खाती रहती है मुझे भी नहीं पता इनके लिए कुछ भी दे दो कोई भी फैसिलिटी दे दो लेकिन ये अपना पेड़ की पत्तियां नेचुरल चीजें खाएंगी बनाना एप्पल सब कुछ मैंने दे दिया लेकिन इनकी आदत है नेचुरल खाने की पत्तियां खाती हैं घास खाती हैं सारा कुछ खाती हैं भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डाल देना उस कमेंट का मैं रिप्लाई भी देता हूँ साथ सभी के कमेंट्स भी देखता हूँ तब तक के लिए बाय नमस्कार जय हिंद जय भारत।